आज जो पश्चिम बंगाल लेकर काफी बार मिलती, तो क्या कुछ फैसला कमेटी ने लिया है? कमेटी फैसला ये हम मिली है सीईओ को 5-7 दफा, 4 दफा डीसी महोदय को मिली है, बीडीओ साहब को मिली है, एसडीएम महोदय को भी मिली है। मंडी का आश्वासन देते हैं हफ्ते में लगा देंगे, 10 दिन में लगा देंगे, मंडी लगा नहीं रहे। हम आज या कल में फैसला ले देंगे, हम धरने पर बैठेंगे मंडी लगवाने के लिए। कितना नुकसान आपने बताया कि 15 लाख रुपए हफ्ते का, 60 लाख, 50 से 60 लाख रुपए तो गवर्नमेंट का नुकसान है, इस नुकसान है गवर्नमेंट को ही, जोन से ऑफिसर नहीं मान रहे, गवर्नमेंट को लॉस हो रहा है। उसके बाद जोन से ये व्यापारी वर्ग आया, जिमीदार व्यापारी को वर्ग पशु बेचने के लिए बेचेगा तो नहीं बदलेगा, उनको भी नुकसान हो रहा है। यहाँ से बाहर पंजाब की मंडियों में जाना पड़ता है, पशु लेके भी ले आना भी पड़ता है, जाते भी किराया लगता है, आते भी किराया लगता है, जिमीदार भी लॉस में, व्यापारी भी, वहाँ चाय वाले, पर्ची वाले, यहाँ 11 आदमियों का रोजगार है। बात करें तो कितने टाइम से बंद पड़ा है जी पर्सनल लाइन? 30-4 को मंडी बंद की थी, 1 महीने के लिए अनाउंस की थी, उसके बाद चलो बाढ़ आ गई, बाढ़ के लिए 1.5 महीना और बंद कर दी। उसके बाद मंडी आज लगा रहे हैं, सवेर लगा रहे हैं, आश्वासन देने के बाद कोई मंडी लगा नहीं रहे। मैंने सुना जी जो मंत्री हैं उनसे भी आपकी बातचीत हुई थी। बबली मंत्री जी से हम 4 दफा मिल चुके हैं, वो कहते मैंने डीसी को कह दिया, कोई किसी की कोई नहीं मान रहा, ऑफिसर यहाँ का कोई मंडी लगा नहीं रहा। उसने हमारे सामने 3 दफा फोन किया है, उनको लाल कब धरना शुरू कर देंगे? क्या कल से धरना शुरू करेंगे, टाइम रहेगा जी पर्सनल? 11 से 3 बजे तक। कल से फिर बैठे के लिए धरने? हाँ जी, हाँ जी, क्या नाम क्या पता है जी, क्या नाम क्या पता है? हेलो, प्रधान मोरी राम।